एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स कौन करेगा? रूट। लेकिन यहां हम स्टेम को कहते हैं, स्टेम को, कि ये क्या करेंगे, ये स्टेम एसोसिएटेड विद कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए है, एंड ये हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेसाइज्ड फूड फ्रॉम द लीफ। अरे जाइलम और फ्लोएम स्टेम वाले पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, तो जाइलम का क्या फंक्शन होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स। और फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है? फ्लोएम का फंक्शन ये है कि फूड के सिंथेसिस के बाद उनका ट्रांसपोर्टेशन, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। सो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि स्टेम के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एसोसिएटेड विद कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो इनका मेन लीडिंग रोल है। बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर जब फूड स्टोरेज के लिए स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, फूड स्टोरेज के लिए स्टेम की मॉडिफिकेशन की बात करेंगे, तो आपको ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। Modification of stem for food storage. Food storage. तो इसमें पहला नाम जो आता है वो होता है राइजोम, जिसमें एग्जाम्पल आप देख लिखते हो जिंजर, टर्मेरिक एंड बनाना। इन सब के अंदर फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है राइजोम, ठीक है। और राइजोम से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये ग्रोज पैरेलल और हॉरिजॉन्टल एसोसिएटेड विद स्टोरेज ऑफ फूड, और ये जो राइजोम है ये बियर करेगा नोड एंड इंटरनोड। पाया तो जाएगा कहाँ, जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर? चलो बताओ जल्दी से। राइजोम जमीन के ऊपर पाया जाएगा, जमीन के अंदर पाया जाएगा? ये ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये क्या है, स्टेम है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एरियल पार्ट को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेम है ये मॉडिफाइड स्टेम है, और इनका मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए हुआ है। ये स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं, और इनको स्टेम इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर नोड और इंटर नोड की प्रेजेंस देखने को मिली है, जो कि स्टेम के अंदर देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? तो पहला जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, राइजोम। राइजोम के बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा ट्यूबर, और इसका एग्जांपल साथ के साथ याद रखना है आपको, पोटैटो एंड हेलियंथस, इसके अंदर ट्यूबर प्रेजेंट होगा, और इनका जो ग्रोथ पैटर्न है, इनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो है इरेगुलर टाइप का, इरेगुलर टाइप का। और ट्यूबर को जब आप देखोगे तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है
जो बिकम स्वॉलन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड की वजह से। ठीक, तो हमने पढ़ा राइजोम, हमने पढ़ा ट्यूबर, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है कॉम बल्ब। दो और है, कॉम मेनली जो देखा जाता है वो देखा जाता है कोलोकेशिया के अंदर, कोलोकेशिया के अंदर, कॉली कॉल्चिकम ऑटमनेल के अंदर, कॉल्चिकम ऑटमनेल, और देखा जाता है कोरोकस के अंदर, ग्लैडियोलस के अंदर। सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं, याद जरूर रख लेना। कॉम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ये होता है ड्यू टू वर्टिकल ग्रोथ, ड्यू टू वर्टिकल ग्रोथ बिलो द सॉयल सरफेस, बिलो द सॉयल सरफेस सरफेस एंड यूजुअली अनब्रांच्ड हैं। ये यूजुअली अनब्रांच्ड होंगे और बियर करेंगे नोड एंड इंटरनोड, बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स। क्लियर है? कॉम के बाद जो नेक्स्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये चेंज करता हूं मैं, कर दूं चेंज? अरे बोलो। यस सर, कर दो। चलो देखो नेक्स्ट, कर दो सर। हाँ देखो नेक्स्ट है हमारे पास, कॉम के बाद जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है बल्ब। क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से पूछा गया है, पहले तो इनके एग्जाम्पल याद रखो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बल्ब जो देखा जाएगा कहाँ पर? ये देखा जाएगा बल्ब अनियन के अंदर, लिली के अंदर और गार्लिक के अंदर, अनियन लिली गार्लिक के अंदर। अब जो बल्ब है, ये बल्ब इज सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक स्केलीज व्हिच आर एडिबल एंड आउटर वंस इज ड्राई। सबसे बाहर जो अनियन का देखते हो वो ड्राई होता है, जैसे जैसे अंदर की तरफ बढ़ते हैं वो फ्लेशी होता जाता है, फ्लेशी होता जाता है जैसे जैसे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद स्टेम का मॉडिफिकेशन जो हमें पढ़ना है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किसके लिए है? पहला हम बात करते हैं क्लाइंबिंग के लिए। क्लाइंबिंग सबको पता है क्या होता है, क्लाइंबिंग के लिए इसके अंदर जो पहला आता है वो होता है स्टेम टेंड्रिल्स। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है
वो है इसका एग्जांपल कि स्टेम टेंड्रिल्स जो क्लाइंबिंग के लिए प्रेजेंट होता है, जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसमें जो पहला स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं वो है स्टेम टेंड्रिल्स, जो देखा जाता है किसके अंदर, वाटरमेलन के अंदर, कुकुरबिटा के अंदर और ग्रेप वाइन के अंदर और पम्पकिन के अंदर, इन सब के अंदर स्टेम टेंड्रिल्स देखते हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, जो मॉडिफिकेशन है स्टेम के। सारी बातें याद हो गई? अरे याद हो गई सारी बातें? इस क्लाइंबिंग के यस बाद, सर। अच्छा स्टेम टेंड्रिल्स के बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये तो क्लाइंबिंग के लिए था, दूसरा अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है थॉर्न्स। वो क्या है? वो है थॉर्न्स। थॉर्न्स क्वेश्चन में ये बहुत बार पूछा गया है कि ये जो थॉर्न्स हैं स्टेम के ये कहाँ से मॉडिफाइड हैं। तो इसके अंदर आपको याद रखना होगा कि जो थॉर्न्स हैं ये हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड विच लूज द एबिलिटी, लूज द एबिलिटी टू ग्रो एंड फॉर्म अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर। ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाएगा। जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं, जो चारा खाने वाले जानवर होते हैं, उनको ये थॉर्न्स जो है वो ब्राउजिंग से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारा जो मेन प्लांट है वो बचा ही रहे। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो आप जो एग्जाम्पल लिखोगे वो होगा सिट्रस और बाउगेन विलिया। बाउगेन विलिया सिट्रस के अंदर नींबू संतरा ये जितने भी हैं वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो भी रूटेसी के मेंबर हैं उन सब के अंदर ये थॉर्न्स की प्रेजेंस देखी जाएगी। अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको कितनी बार टिक कर दिया है क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग अल्टरनेट साल इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये हम बात करते हैं वीक स्टेम की, जो कि सब एरियल होंगे और ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की तरह भी वर्क करेंगे और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे। अब इस वीक स्टेम को जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स और इसकी कुछ यूनिक लाइंस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला जब हम डिस्कस करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं ऑफसेट को, और ऑफसेट के अंदर जो एग्जांपल है वो है इकॉर्निया एंड पिस्टिया का। इकॉर्निया एंड पिस्टिया का बात समझ में आ गई? इसके डायग्राम को अगर देखो ये है कुछ इस तरह से, ये रोजेट लाइक है। एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में पूछा गया रोजेट लाइक ग्रोथ, वो ऑफसेट के अंदर देखी जाती है। ऑफसेट के बाद जो आते हैं वो होते हैं सकर, जो देखा कहाँ जाता है, ये जो सकर है ये देखा जाएगा बन।
चलो मैं सीधे शक्कर की बात करूं, ऑफसेट तो आपने देख ही लिया है। शक्कर जिसको मैंने बोला ये पाया जाएगा बनाना के अंदर, ये पाया जाएगा पाइन एप्पल के अंदर, ये पाया जाएगा क्राइसेंथीमम, क्राइसेंथीनियम या थिनम, क्राइसेंथीनियम। ठीक, इस शक्कर को अगर आप देखोगे तो ये जो अराइज होंगे, जैसे ये कोई मेन हमारा स्टेम है, इसमें पहले ये लेटरल ग्रो करेंगे अंडरग्राउंड और फिर यहां से लेटरल ब्रांच निकलेगी। बात समझ में आ गई? इस लाइंस को मैं बोल देता हूं, आप सुन लो। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि द स्टेम ग्रो बिलो द सॉयल एट सम डिस्टेंस एंड ऑब्लिकली ऑब्लिकली इमर्जेस आउट टू फॉर्म लेटरल ब्रांच या टू फॉर्म एरियल सूट। इसके बाद बात करते हैं स्टोलन की। इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि अगर प्लांट ग्रो कर रहा है और उसके बीच में कुछ पत्थर आ जाए तो भी ये क्या करते हैं, आर्क बना के पार कर जाते हैं। सभी ने मिंट जरूर देखा होगा, मिंट का आजकल गर्मियों में सबसे ज्यादा सेवन भी लोग करते हैं। उसके प्लांट को अगर आप देखोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे। मैं कभी आपको वीडियो इसका बना के सेंड करूंगा, स्टोलन का। मिंट, मिंट या जैस्मिन। अब देखो जैसे ये मिंट का एक प्लांट है, इसकी लीफ ही काम की होती है मिंट में। अब ये क्या करेगी, ये एक आर्क बनाएगी, ऐसे ऐसे नहीं कि हॉरिजॉन्टली सीधे ग्रो कर रहे हैं, ये आर्क बनाएगी। तो अगर इसके बीच में कुछ आ भी गया तो भी इसके ग्रोथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो बना रही है क्या, आर्क। तो इसीलिए स्टोलन को हम क्या कहते हैं, मिंट और जैस्मिन का इसके एग्जाम्पल में। यहां से अब ये अराइज होंगे ऐसे। बात समझ में आ गई? इसके बाद आते हैं रनर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये रनर रिपोर्ट कहाँ किए जाते हैं, तो ये ग्रासेस के अंदर रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें आप देख रहे हो क्या कि यहां पर इट इज इलोंगेशन ऑफ ब्रांच विद लॉन्ग नोड एट द नोड्स रूट है, रूट अराइजेस। बात समझ में आ गई होगी सभी को? तो हमने ये सारा किया, ऑफसेट जिसके एग्जांपल में पिस्टी और इकोर्निया बताया, फिर सकर जिसमें हमने बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथीमम बोला, फिर स्टोलन जिसमें मैंने आपको बोला मिंट और जैस्मिन को याद रखना है, और फिर रनर जिसके अंदर हम ग्रासेस को देखते हैं। तो मॉडिफिकेशन ये जो था ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए है। एक और लाइन आपको याद रखनी है जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि ये जो स्टेम है ये फोटोसिंथेटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा। जनरली स्टेम जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मॉडिफाइड हैं, और ये इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आया कि फोटोसिंथेटिक स्टेम हम देखते किस में है, तो हम देखते हैं अपोन्शिया के अंदर या यूफोर्बिया के अंदर, जहां पर इनका जो स्टेम है इट बिकम्स